ईएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में जीता बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति दुनिया की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ गाय से लेकर भाई तक पर राजनीति की बिसात बिछाई जाती है। यहाँ न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। यकीन ना आए तो शिवपाल यादव को ही देख लीजिए। 19 मई को जैसे ही ये साफ हुआ कि आजम खान को जमानत पर रिहा किया जाएगा, 20 मई को सुबह सुबह प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंच गए, वो भी सुबह लगभग 7 बजे। कागजी कार्रवाई के बाद आजम खान जैसे ही जेल से बाहर निकले, बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सबसे पहले बाहें फैलाए शिवपाल यादव स्वागत करते मिले। पुरानी यादें ताजा हो गई और देखते ही देखते आजम खान भावुक हो गए। यकीन ना आए तो एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिए जो शिवपाल यादव ने खुद ट्वीट कर शेयर किया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम खान और शिवपाल की केमिस्ट्री आने वाले समय में यूपी की राजनीति में कितने अहम होने वाली है। सीतापुर जेल से निकलते समय शिवपाल यादव से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने इशारों में अपने और आजम खान के बारे में बहुत कुछ कह दिया, जिसे सुनकर अखिलेश यादव की चिंता बढ़ सकती है। न्याय की जीत हुई है, आजम खान साहब की जीत हुई है। ये कैसी इस लड़ाई में वो आपके साथ आएंगे, क्योंकि अब लड़ाई अब बनेगी। देखिए हम लोग समाजवादी हैं और हमेशा देखिए नेताजी से हम लोगों ने सीखा है सुख दुख में साथ रहना, और कहीं पर भी सुख दुख में जो भी साथी अगर कहीं अखिलेश यादव ने जो ट्वीट नहीं किया में अगर संकट में आजम खान के परिवार तो ये तो अखिलेश यादव से पूछिए ना। इसका समाधान देखिए आजम भाई हमारे साथी रहे हैं और हैं। रामपुर जा रहे हैं आप साथ में? आप रामपुर जा रहे हैं? नहीं इस समय तो हम सीधे लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, खास आयोजन भी? कोई बात आपकी हुई आजम साहब से, क्या बोले वो? हमारी बातचीत आज भी हुई है और फिर आगे भी होती रहेगी। हालांकि आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने भले ही ट्वीट करके अपना पक्ष रखा, लेकिन जानकारों की माने तो ये ट्वीट बस खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं यूपी की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे शिवपाल यादव ने समय रहते आजम खान के साथ खड़े होने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान को भले ही बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर न माना जाता हो, लेकिन पिछले 27 महीने में उनके साथ जो हुआ उससे मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनसे सहानुभूति रखता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में शिवपाल यादव और आजम खान मिलकर यूपी की राजनीति में एक अलग समीकरण तैयार कर ले, जिसका नुकसान बीजेपी को कितना होगा इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ इस समीकरण से अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचना तो तय है, क्योंकि अखिलेश यादव का कोर वोटर मुस्लिम और यादव वोटरों के समीकरण पर टिका हुआ है, जिसमें सीधे सीधे डेंट पड़ना तो लगभग तय है। शिवपाल यादव ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले नेता हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर मजबूत होना है तो सियासी समीकरण को समय रहते साधने की सबसे पहले जरूरत है, और उन्होंने समय रहते वही किया। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी आजम खान पर उन्होंने कुछ खास नहीं बोला। इससे वोटरों में एक मैसेज ये भी चला गया कि अब अखिलेश को मुसलमानों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सपा के तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं ने चुनाव के बाद अखिलेश यादव पर खुलकर बोला था। अब आगे देखना ये होगा कि शिवपाल यादव के इस नहले पर अखिलेश यादव एक मजे हुए नेता की तरफ से दहला मार पाते हैं या फिर चाचा के चक्रव्यूह में ही उलझ कर रह जाते हैं। सीतापुर से संतोष शर्मा के साथ अरविंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।